Next question The sum of the fourth and eighth terms of an AP is twenty four and the sum of its sixth and tenth terms is forty four. Find the first three terms of the AP. Same work karenge. a let a be the first term A maripasky first term of the given AP and D be the common difference. ऑफ़ गिवन ए पी ये हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है ए फोर प्लस ए एट आप यहाँ टी भी यूज़ कर सकते हैं लेट ए एन बी द जनरल टर्म यानी कि एंथ टर्म ऑफ द गिवन ए पी तो ए फोर प्लस ए एट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी फोर यानि ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ठीक है यहाँ से क्या आ जाएगा टू ए प्लस टेन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर कंसिडर इट इज इक्वेशन नंबर वन एंड सिमिलरली ए सिक्स प्लस ए टेन इज इक्वल टू फोर्टी फोर है ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस फाइव डी एंड ए प्लस नाइन डी इज इक्वल टू फोर्टी फोर यानी टू ए प्लस फोर्टीन डी इज इक्वल टू फोर्टी फोर कंसिडर इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड अब देखो हमें इक्वेश हमें फाइंड आउट क्या करना है फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द ए पी यानी कि हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है एंड ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब उसके लिए हमें ए एंड डी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी बिकॉज दीज आर टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ए एंड डी क्लियर है बात लेट्स कम ऑन दी सोल्यूशन पार्ट अब देखो ध्यान से जो हमने गिवन कंडीशन आपको एक्सप्लेन की है यानी टी फोर प्लस टी एट ठीक है हमने वहाँ पर यूज़ किया था ए फोर एंड एट ठीक है यहाँ पर स्टैंडर्ड टर्म यानी कि एन एड टर्म कंसिडर है टी एन ठीक है यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हमें मिली है आफ्टर सोलविंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट द वैल्यू ऑफ ए माइनस थर्टीन एंड वैल्यू ऑफ डी फाइव ठीक है तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी ए की वैल्यू यानी माइनस थर्टीन सेकेंड टर्म यानी कि ए प्लस डी यानी माइनस थर्टीन एंड प्लस फाइव तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एट ये हमारे पास टी वन माइनस थर्टीन टी टू माइनस एट एंड सिमिलरली टी थ्री क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी यानी माइनस थर्टीन प्लस टेन वी गेट माइनस थ्री ठीक है और यही थ्री टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी थी आई होप कि आपको एक कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे ठीक है क्योंकि बिल्कुल ईजी से वे में आपको एक्सप्लेन किया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आपके पास जो बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए ठीक है